पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में बीजेपी ने आज से प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू कर दिए हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में तो स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या में रहकर प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत कर दी। दरअसल उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव नजदीक आते देख हर प्रमुख दल वोट बैंक को साधने के लिए अपने अपने तरीके से आजमाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रबुद्ध सम्मेलनों की बाढ़ आई हुई है। सपा बसपा पहले ही प्रदेश में इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन करके एक खास तबके को रिझाने में जुट चुकी हैं। प्रदेश भर में न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी भी भाजपा द्वारा लगाई गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया। इसी कड़ी में मुरादाबाद में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर बोलते हुए कहा कि आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को सम्मान की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता समाज और देश को समर्पित होकर अपना काम करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी के हित में कार्य करती है। साथ ही कहा कि जनधन योजना के माध्यम से समाज के भ्रष्टाचार को कम किया गया है। किसानों के खाते खुलवाने का काम भाजपा ने किया और आज विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और योजनाओं के पैसे का लाभ जनता को सीधे उनके खातों के द्वारा मिल रहा है। सबसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा पहले भी ये 5 सितंबर हमारा जो कार्यक्रम है वो पहले भी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व रूप इसी रूप में एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पार्टी ने आयोजित किया है। उसी के तहत मैं इस कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ और यहाँ प्रबुद्ध वर्ग बैठे हैं और आज जो हमारे देश स्वतंत्र के समय जो पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे आदरणीय पल्ली जी, उनका आज जन्मदिन है और शिक्षक दिवस के रूप में मैं शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो ऐसे महान विभूत का आज जीवन दिवस मनाने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है और यहाँ मुरादाबाद के प्रतिजन के बीच मुझे बैठने का मौका मिला। यहाँ से संदेश जाएगा, किस तरह का संदेश जाने का रहेगा, क्योंकि इलेक्शन भी है। यहाँ प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठकर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित, देश की रक्षा करना और विशेष रूप से जो गरीब है, किसान है, नौजवान है और मजदूर हैं, उनके लिए जो केंद्र ने योजनाएं बनाई हैं और प्रदेश में जिस तरीके से कानून का राज स्थापित हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उन्हीं सारी योजना को लेकर हम यहाँ आए इस बार बैठ के। क्योंकि जिस तरह से आपका दौरा भी है उत्तर प्रदेश में, देखें जो आगामी का चुनाव है क्या स्थिति रहेगी, लगातार चुनौतियाँ हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो 2017 के चुनाव के बाद वो चुनाव मैदान में आ गई थी, उसी समय से काम कर रही है। वो अपने प्रदेश के लिए काम कर रही है, एक एक नागरिक के लिए काम कर रही है प्रदेश की सरकार, तो उसे कोई चिंता की बात नहीं है। अभी अभी 325 सीटें आई थी, अब जो हम लोग दौड़ा कर रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में हम लोग गए थे, अपार समर्थन मिला है, उससे लगता है 350 सीटें आ गई और भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत में सरकार बनाएगी। आप यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, वहाँ आप ही जनपद में किसानों की रैली निकल रही, किसान अपना एक सम्मेलन कर रहे हैं। नहीं, किसानों की रैली निकलना बात अलग है, लेकिन किसानों के लिए हम लोगों ने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित के लिए है। 52% जो हमारे सीमांत लघु किसान हैं उनकी चिंता हमने की है, बड़ों किसानों की भी चिंता की है, वो अपना माल जहाँ चाहे बेच सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो फ्री है, वो आंदोलन तो चलते ही रहते हैं इस तरीके से। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।